केवल 1 लाख से कम है सब्सिडी, तो करोड़ों लोगों को सब्सिडी देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये एनपीए राइट ऑफ करने के लिए उसके पास पैसा है। और मोदी सरकार ने कहा अभी जीएसटी का मुद्दा है, आपका ये आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा जीएसटी का है। कितना है जीएसटी एलआईसी पॉलिसी पर? 4.5%, 4% से अधिक जीएसटी है प्रीमियम के ऊपर। गवर्नमेंट इंपोज जीएसटी रेट 4.5% ऑन एलआईसी प्रीमियम एंड द प्राइस विल गो अप, एवरी प्राइसेस इन द कंट्री, हर दाम आगे बढ़ रहा है। जीएसटी के बाद हजारों लोग जीएसटी के खिलाफ सड़क पर उतर रहा है। मोदी के सरकार ने कहा ये जीएसटी एक मैजिकल स्टिक है, वो सारे मुद्दों को सोल्व करेगा। हर बार ये मोदी ये कह रहा है, जब नोटबंदी किया था उस समय भी उन्होंने कहा ये नोटबंदी ब्लैक मनी को खत्म करेंगे। क्या हुआ? उन्होंने कहा नोटबंदी उग्रवाद को खत्म करेंगे, उन्होंने कहा नोटबंदी फेक करेंसी को खत्म करेंगे। क्या हुआ? मैं हम सारे लोग केरल से आ रहा है, फेक करेंसी को क्या हुआ? नोटबंदी के बाद बीजेपी के नेताओं ने उसके घर में फेक करेंसी प्रिंट करना शुरू किया। केरल में हुआ, बीजेपी लीडर्स हैव बीन अरेस्टेड इन केरला फॉर प्रिंटिंग फेक करेंसीज ऑफ रुपीज 2000 इन देयर होम्स, दे हैव मेड इट अ कॉटेज इंडस्ट्री। उन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री बनाया उसको। और अभी मोदी ये कह रहा है ये जीएसटी आपका सारा मुद्दों को सोल्व करेंगे, आप जीएसटी का भजन करो, जीएसटी का भजन करो, सारा मुद्दा सोल्व करेंगे। लेकिन वो एक बहुत बड़ा बर्डन, दिस इज इम्पोजिंग ए ह्यूज बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ पीपल। That is why LIC agents are taking to the streets demanding withdrawal of GST on LIC policies. So we are in support of all of your demand, and as Comrade Srimati Teacher assured you that we, the left MPs, I can assure you on behalf of left MPs, only the left has been taking these issues inside the parliament. Only the left has got the courage to take up the issue of common people in parliament. When the LPG issue came, petroleum minister told Congress MPs, why are you opposed to this? We are just continuing your policies. You initiated this policy, we are just continuing. But they cannot tell this to left MPs. Only the left is fighting for the cause of common people. आम आदमी के लिए सिर्फ वामपंथी लड़ रहा है पार्लियामेंट के अंदर और सड़क पे, हर जगह पे सिर्फ लेफ्ट वामपंथी आम आदमी के लिए लड़ाई कर रहा है। So, as assured by Comrade Srimati Teacher, I would like to reiterate the assurance given by all other left MPs here that we will echo these demands. The demands which you are making here in the Parliament Street will be echoed inside the Parliament by members of Parliament representing left. With this assurance, I conclude. Thank you very much.